नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी, सबसे पहले सबसे तेज। दोस्तों आज तारीख है 24 फरवरी 2020 और रोज की तरह हम लेकर के आए आपके लिए लेटेस्ट ITI जॉब्स जो पिछले 24 घंटे में जारी की गई हैं। रिक्रूटमेंट की ऐसी नोटिफिकेशंस की जानकारी हम डेली आपके लिए लेकर के आते हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली वैकेंसी से। तो आज की सबसे पहली वैकेंसी आ रही है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL की तरफ से, जहां पर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए रिसेंटली वैकेंसीज निकाली गई हैं। ITI कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 24 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। और अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा के लिए ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग यहां पर मंथली स्टाइपेंड दिया जाने वाला है और 20 मार्च 2020 तक आप ऑनलाइन माध्यम से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आवेदन शुल्क इन वैकेंसीज के लिए नहीं रखा गया है। सभी एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री होगी। इंपॉर्टेंट लिंक्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करने का लिंक, दोनों ही लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिए हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है इंडो दानेश टूल रूम जमशेदपुर की तरफ से। ये बिल्कुल लेटेस्ट जारी की गई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है। टेक्नीशियंस ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। 5 साल के इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट पर ये वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, जिसको कि आगे रिन्यू भी किया जा सकता है। ITI कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है और जमशेदपुर जॉब लोकेशन रहने वाली है। इस नोटिफिकेशन का सबसे जो प्लस पॉइंट है वो इसकी सैलरी है। जो यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है वो काफ़ी अच्छा पैकेज ऑफर किया जा रहा है। 28,832 रुपये की यहाँ पर सैलरी ऑफर मंथली की जा रही है। अलाउंसेस हालांकि इससे अलग होंगे, जो कि एड ऑन हो जाने के बाद अमाउंट आपको सैलरी के रूप में इससे भी बेहतर मिलेगा। 7 अप्रैल 2020 तक आप ऑफलाइन माध्यम से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आवेदन शुल्क इन वैकेंसीज के लिए भी नहीं रखा गया है। सभी एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री होगी। ऑफलाइन माध्यम से जैसा कि मैंने आपको बताया आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन के अंदर फॉर्म दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म, उन दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 बटन आएंगे, नोटिफिकेशन इन हिंदी, नोटिफिकेशन इन इंग्लिश और एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी लिंक पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की अगली नोटिफिकेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन है। गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति राजघाट दिल्ली की तरफ से ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है, जहां पर कारपेंटर्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी कैंडिडेट्स को इस नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग बताना चाहूँगा कि इस नोटिफिकेशन के अंदर 8th पास कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन मांगी गई हैं। ITI इस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली यह है कि यहाँ पर कारपेंटर्स के फील्ड में 8th पास कैंडिडेट्स से एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है, यानी कि फ्रेशर 8th पास कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने ITI की हुई है कारपेंट्री ट्रेड से और आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाता है, आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। और जहाँ तक जॉब की बात है, ये काफ़ी अच्छी जॉब है, इसमें सैलरी बहुत अच्छी दी जा रही है और दिल्ली की जॉब है। इसीलिए मैं सभी ITI कैंडिडेट्स जो कि कारपेंट्री ट्रेड से ITI की हुई है से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करें। मैक्सिमम 25 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। दिल्ली राजघाट इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। 19,900 से 63,200 के यहाँ पर पे स्लैब रखी गई है। अलाउंसेस अलग से होंगे तो अमाउंट यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलने वाला है आपको सैलरी के रूप में। 22 मार्च 2020 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से आपको इसके लिए अप्लाई करना है दोस्तों, और कोई भी आवेदन शुल्क इन वैकेंसीज के लिए नहीं है। सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे ऑफलाइन माध्यम से, उसके बाद शॉर्टिंग की जाएगी कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए या फिर आगे के प्रोसेस के लिए
गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति की तरफ से वापस रिप्लाई किया जाएगा और केवल कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ध्यान रखनी है। नोटिफिकेशन अगर आप इसका देखना चाहते हैं तो उसका लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ पर जाकर के दोस्तों आप एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। रिक्रूटमेंट की अगली नोटिफिकेशन आ रही है गाइडन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से, जहाँ पर पाइप फिटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और पेंटर्स के लिए भर्तियाँ निकाली गई हैं। ITI कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात सभी कैंडिडेट्स को बता देना चाहूँगा कि ये केवल शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए निकाली गई वैकेंसी है, यानी कि इन वैकेंसीज के लिए केवल PWD कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 24 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है और कोलकाता जॉब लोकेशन रहने वाली है। 12,000 से 14,000 यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है दोस्तों, और 8 मार्च 2020 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आवेदन शुल्क इन वैकेंसीज के लिए नहीं रखा गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करने का लिंक, तीनों ही लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जहाँ पर जाकर के दोस्तों आप इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये थी पिछले 24 घंटे में जारी कुछ इंपॉर्टेंट ITI कैंडिडेट्स के लिए अपडेट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे आगे और भी अच्छा काम करते रहने के लिए। साथ ही दोस्तों कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे कुछ नई ITI की वैकेंसीज के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।